सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द बून ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अब आज हम लोग सब जो ये चीज़ जान रहे हैं, सबसे पहले तो एक बता देता हूँ कि ये जो वीडियो, ये सेकंड पार्ट है, यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं अपलोड अब बाद में करूँगा। पहले मैंने ये पार्ट अपलोड किया बिकॉज इसके एग्जामिनेशन थे स्टूडेंट्स के लिए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, यानी इंटरनेट अगर हम जनरल वे में अगर हम ऐसे देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, तो ये हम सब जानते हैं कि भाई यहाँ पर अलग अलग जो पीसीज होते हैं, या फिर समझ सकते हो अलग अलग जो नोड्स होती हैं, सारी आपस में कनेक्टेड होती है और इनमें शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। बट ये थिंग्स क्या होता है, जब हम बात करते हैं थिंग्स के बारे में, तो थिंग्स के बारे में बात करते ही हमारे सामने स्मार्ट सेंसर्स आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सिटीज़ के बारे में, तो सिटीज़ के अंदर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आ जाते हैं, और ऐसे कुछ टर्म्स आ जाती है अगर हम थिंग्स के बारे में बात करते हैं। थिंग्स यानी जो आपके आसपास है, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ इन अ वेरी जनरल सेंस, तो जिस तरीके से आपके घर में आजकल ऑटोमेटिक बल्ब्स आते हैं जो कि आप फ़ोन से कंट्रोल करते हो, तो वो बल्ब एज अ थिंग है, और वो कनेक्टेड है किसी न किसी के थ्रू एज इन योर इंटरनेट, और उसको आप अपने फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बेसिक आप ये समझ सकते हो कंसेप्ट है अगर हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। बट आज हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल के बारे में। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल में, तो अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एप्लीकेशंस की भाई आपकी एप्लीकेशन क्या होने वाली है IoT की, अलग अलग मॉडल और आर्किटेक्चर्स है जो कि यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है IoT की। अगर हम बात करें स्मार्ट सिटीज़ में भी काम आता है IoT, आपके एग्रीकल्चर में भी काम आता है IoT, एजुकेशन में भी काम आता है IoT, आपके ऑफिसेज के अंदर या होम्स के अंदर भी काम आता है। ठीक है, यही नहीं गाइज, IoT का यूज़ आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में भी होता है, जहाँ पर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और ये सारे में भी IoT का बहुत बड़ा रोल है। डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस में काम आता है, उसके हिसाब से उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिफाइन आर्किटेक्चर बताना कोई, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर हम IoT को लेके चले, बिकॉज IoT अभी एक रैपिड ग्रोइंग फेज है और ये बहुत जल्दी बढ़ भी रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं IoT के, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर हम IoT को कंसर्न लेके बात करते हैं। तो यहीं पर ही अगर हम बात करें एक बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है द सेंसिंग लेयर। अब ये क्या चीज़ है, तो सेंसिंग लेयर एक्चुअली में आप ये समझ सकते हो कि ये वो लेयर है जिसमें सारे आपके सेंसर्स और एक्चुएटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये वो लेयर है जहां पर आपके सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स कनेक्टेड होते हैं। अब यहां पर सबको पता है सेंसर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं वेरी बेसिक से कि भाई सेंसर एक्चुअली में क्या होता है, तो वो जो डेटा एनवायरमेंट से लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं एक्चुएटर्स की, तो एक्चुएटर एक्चुअली में क्या होता है, ये वो डिवाइस होते हैं जो कि मोशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये मोशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्चुएटर की, तो एक्चुएटर एक वो डिवाइस है जो कि एक्चुअली में क्या लेगा, वो लेता है एनर्जी और सिग्नल्स। ये एनर्जी और सिग्नल्स लेता है और उससे ये क्या जनरेट करता है, मोशन जनरेट करता है। अब ये कोई भी मूवमेंट हो सकता है, सपोज लाइट ऑन करनी है तो उसने सिग्नल्स लिए और लाइट ऑन कर दी। ठीक है, तो ये काम एक्चुएटर का होता है और सेंसर्स का काम होता है डेटा लेने का। अब नेक्स्ट जो लेयर होती है उसके बाद आपका आता है नेटवर्क लेयर। अब जब उसने डेटा वार सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली है, अब वो जाता है नेक्स्ट लेयर में जो कि है नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, ये यहाँ पर आपके नेटवर्क गेटवेज होते हैं। ठीक है, जो कि आपके डेटा ट्रांसमिशन में काम आते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट में जाता है डेटा प्रोसेसिंग, यानी जो अब इसके पास डेटा आ चुका है, डेटा का जो ट्रांसमिशन के बाद इसके बाद जो प्रॉपर डेटा आ चुका है, अब उसको ये करता है प्रोसेस। अब जब ये डेटा प्रोसेस करता है तो ये उसको कलेक्ट करता है, उसको सेंस करता है और फिर एक्चुएटर्स के थ्रू आउटपुट जनरेट करता है। और एक होती है एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर हमारी लाई करती है स्मार्ट एप्लीकेशन। अब ये स्मार्ट एप्लीकेशन वो है जो आप अपने फ़ोन में देखते हो, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड शो होती है और इसके फॉर्म में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही होती है। तो ये आपका होता है एप्लीकेशन लेयर का खेल। तो ये जो चार लेयर्स हैं, इसके अंदर ही आपका पूरा IoT का बेसिक आर्किटेक्चर लाई करता है। अगर हम कोई भी नया आर्किटेक्चर भी देख लेंगे, तो ये सारा इन चारों से मिलके ही बनेगा। अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग यूज़ के हिसाब से उसका अलग अलग मॉडल बनता रहेगा। यही सबसे बड़ी बात है अगर हम बात करते हैं IoT के आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, तो सेंसिंग लेयर क्या है, सेंसर से डेटा कलेक्ट कर रही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्क लेयर की, तो ये आईओटी के सिस्टम के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पर एक मेरा डिवाइस है और यहाँ पर भी मेरा एक डिवाइस है, ठीक है, तो एक और डिवाइस बना देते हैं यहाँ पर। अब अगर मेरे को इनको कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट होगा? मेरे को एक नेटवर्क चाहिएगा, आइदर इट कैन बी एन इंटरनेट या उसका कोई भी फॉर्म, मेरे को एक नेटवर्क चाहिएगा। उसके बिना मैं इनके बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं बना पाऊंगा, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी नेटवर्क लेयर होती है जो कि एक्चुअल में आपकी यही काम करती है, अगर हम आईओटी के अंदर इस बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, तो डेटा प्रोसेसिंग कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। और एक्चुअल में यही जो चीज़ होती है ना, यही आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि एक्चुएटर्स तक पहुँचाते हैं और एक्चुएटर्स अपने मोशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेन जो खेल होता है ये इस लेयर का ही होता है, क्योंकि यही डेटा को प्रोसेस करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ये सारा इनका ही काम होता है। चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया बहुत ही बेसिक सा खेल जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो कि एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखेगी। अब यहाँ पर नॉर्मली यूआई का यूज़ होता है, क्योंकि ये जो होता है ये यूज़र देखता है, क्योंकि यूज़र को नहीं पता कि उस डिवाइसेस की फंक्शनिंग कैसे हो, कैसे वो काम कर रहे हैं। ये जो काम होता है ये यूज़र ही सारा देखता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। चीज़ क्लियर हो गई होगी अब आपको ये। अब आता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसको हम कहते हैं रेस्ट। अब जो लोग यहाँ पर वेब से बिलोंग करते हैं, किसी ने वेब डेवलपमेंट ट्राई करी है, तो वो इस आर्किटेक्चर के बारे में बखूबी जानते होंगे। ये नॉर्मली वेब सर्विसेज बनाने के लिए ही काम आता है। अब इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीज़न भी अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये एक आईओटी प्रोटोकॉल है सबसे पहली बात। क्योंकि आपने देखा होगा ना आईओटी में आई लाई करता है यानी इंटरनेट, तो हमें इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अब ये बेसिकली क्या काम आता है, अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने कहा कि ये नॉर्मली क्या होता है, ये है तो एक, ये मान सकते हो कि वन ऑफ द आईओटी प्रोटोकॉल, बट ये एक तरीके से उससे भी ज़्यादा एक डेवलपमेंट कंसेप्ट है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जो कि आपका नॉर्मली वेब सर्विसेज को बनाने के लिए काम आता है। उसकी वर्किंग क्या होती है, ये किसी भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, सपोज ये आपकी इंफॉर्मेशन है और ये आपका सिस्टम है और उसको वो चाहिए, तो जो API होता है, API का एक्चुअल में काम क्या होता है, API रिक्वेस्ट भेज के इंफॉर्मेशन मंगवाता है और ये उसको रेस्पॉन्स देता है। तो ये बेसिक जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं API कॉल, यानी आपने रिक्वेस्ट भेजी और आपको उसके बदले में कुछ रेस्पॉन्स मिला, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई। API works by making request for information, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। The API architecture dictates how the format that call as well as dictating in what format the response will be. अब इस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन लग रही है आपको, बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन भी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम अभी देखते हैं। देखो सपोज आपका कोई भी API है, ठीक है, आपका कोई भी API है, वो अगर किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट का भी एक फॉर्म होगा, एक मान सकते एक सिंटेक्स होगा जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो उस API का भी एक रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो आपका जो सर्वर है या आपका जो सर्वर है जो डेटाबेस के साथ डीलिंग कर रहा है, ठीक है, उसको भी वो इन्फॉर्मेशन जो उसको रेस्पॉन्स है वो सेम फॉर्मेट में देनी पड़ेगी जिसमें वो API चाहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नॉर्मली यहाँ पर हम यूज़ करते हैं JSON फॉर्मेट, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है, जिन लोगों ने भी कभी ना कभी API के साथ डीलिंग करी होगी तो उनको ये चीज़ पता होगा कि JSON फॉर्मेट का क्या रोल होता है। तो जिस तरीके से आप रिक्वेस्ट पास ऑन करोगे वैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये लाइन का मतलब है और ये लाइन हाईली इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। रेस्ट इज द बेसिस फॉर द मोस्ट वेराइटी यूज फॉर्म्स ऑफ API एंड इज डिजाइन टू बी यूज ओवर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। रेस्ट को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ काम करने के लिए बना हुआ है और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, जिसके साथ रेस्ट हर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ काम कर सकता है। अब यहां पर लिखा हुआ है जिस तरीके से, अब देखो जो आपका डाउट था ना वो अब क्लियर होगा। टिपिकली यूजेस HTTP फॉर और COAP टू वर्क विथ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इन पर्टिकुलर IoT, कि जो आपका रेस्ट है ये आपका एक तो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है, ये तो आपको चीज समझ में आई गई होगी, और एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं COAP प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पर COAP का फुल फॉर्म होता है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है,
इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसको हम कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ये भी एक क्लाइंट टू सर्वर प्रोटोकॉल है, क्लाइंट और सर्वर का प्रोटोकॉल है। और ये किस लिए बनाया गया है? आईओटी के लिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा हमने आपको स्टेप बता दिया कि सीओएपी क्या चीज़ है, ठीक है। और इसमें हम जो देख रहे हैं ना कि स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ ये वर्क करता है। अब वो कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? वो कोई भी फाइल हो सकती है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई भी मीडिया हो सकती है। ये रेस्ट का बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको चीज़ बता दी यहाँ पर। अब हम अगर बात करें कि REST API कैसे काम करता है, तो REST API जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि वो API कॉल्स वगैरह सेंड करके इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के ऊपर काम करते हैं, बट REST API में दो चीज़ें होती है, सबसे पहले ध्यान रखना। REST API में होता है एक क्लाइंट और एक होता है सर्वर, ठीक है। RESTful क्लाइंट वेब एप्लीकेशन को पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन, जिससे वो API कॉल कर सके। अगर उसको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा तो सर्वर से पूछेगा क्या? क्लाइंट को पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी REST को, REST जो होगा ये जाके पूछेगा सर्वर से, API कॉल करेगा, और उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो कॉल किस में कर रहा है और आपको डिजर्व आउटपुट चाहिए किस में। REST dictates the response in the same language in which the request have been made। REST क्या करेगा, आपको जो भी रेस्पॉन्स देगा, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि क्लाइंट और सर्वर में जो API कॉल्स की डीलिंग होती है, तो रिक्वेस्ट जिसमें करी जाएगी उसमें ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ये मैंने आपको ऊपर भी बता ही दिया है, ठीक है। अब अगर आप पोस्टमैन जैसे चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आप अलग अलग रेस्पॉन्स भी देख सकते हो, बट आपका जो सर्वर से आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो उसमें ही आएगा जिसमें आपने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। अब आता है डेटा। डेटा क्या बताता है कि डेटा टेल्स द रेस्पॉन्डिंग वेब सर्विसेज व्हाट इन्फो इज नीडेड। जो डेटा आपके पास है या जो डेटा आप API कॉल में भेज रहे हो, वो एक्चुअली में API को ये बताता है कि सर्वर को ये बताता है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में किसकी चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए, सारा डेटा ही बताएगा। इससे क्या होता है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो स्टेटस को। अब आता है डिफरेंस बिटवीन RESTful एंड REST API। पहले ये दोनों बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजिंग टर्म्स लग रही होगी, RESTful और REST API। तो RESTful जो होता है ये एक्चुअली में, पहले तो बता देता हूँ, एक सिर्फ एक सर्विस है जो कि किसको यूज़ करती है, REST आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क को यूज़ करती है। पॉइंट नंबर वन, आई थिंक इट इज़ क्लियर। एडवांटेजेस क्या है REST API के? तो सबसे पहले इसके जो मेजर तीन एडवांटेजेस हैं REST API के, पहला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी, क्योंकि ये क्लाइंट और सर्वर को सेपरेट कर देता है। तो जब हम इसकी स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्केल कर सकते हैं IoT सिस्टम में, क्योंकि ये क्लाइंट और सर्वर को अलग अलग कर रहा है, ये उसको बांध के नहीं रख रहा है। सेकेंड चीज़ फेमिलियरिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्ट्स यूज करते हैं, यानी जो आपका REST API जो भी आपके कंस्ट्रक्ट्स को यूज करता है, वो सारे के सारे फेमिलियर होते हैं उससे जिसने HTTP यूज़ किया है, ये उसके जैसे कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करता है, तो फेमिलियरिटी भी है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्यों है ये? क्योंकि डेवलपर कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, ठीक है। यानी वो डेवलपर जिसने कभी ना कभी किसी भी लैंग्वेज को HTTP के साथ यूज़ किया है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है जो कि HTTP के अंदर आती है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट आ जाता है अगर हम REST API के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका स्केलेबिलिटी यहाँ पर क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट आपका फेमिलियरिटी क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट ये आपको ये बता देता है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट किस तरीके से है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको पता लग गई है। अब अगर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, तो ऐसा नहीं है कि REST API का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यहाँ पर तीन जो है वो डिसएडवांटेज भी है। जिस तरीके से तीन हमने एडवांटेजेस की बात करी, और वो एडवांटेजेस थे स्केलेबिलिटी, फेमिलियरिटी, और अभी हमने जो देखी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। बट डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लिमिटेड आर्किटेक्चर, क्योंकि ये जो है इसमें लिमिटेड आर्किटेक्चर होता है, तो जो आपका फर्दर क्रिएटिविटी माइंड्स है, जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सेकंड, लैक ऑफ स्टेट। HTTP जो होता है वो कभी भी इन्फो को स्टोर नहीं करके रखता जिससे रेस्पॉन्स साइकिल वर्क कर सके, तो ये कभी उसको स्टोर नहीं करके रखता, तो ये सेकेंड चीज़। लैक ऑफ सिक्योरिटी, REST कोई भी बिल्ट इन सिक्योरिटी मेजर को अप्लाई ही नहीं करता, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है।
क्योंकि रेस्ट को एक्चुअली के अंदर थोड़ा सिक्योर होना चाहिए, बट इसमें सिक्योरिटी मेजर्स की कमी है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी है। अभी मान सकते हो कि इसने एक बेसिक फ्रेमवर्क टाइप बनाया हुआ है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मोर ऑफन अ प्रोटोकॉल। रेस्ट जो है आपका एक तरीके से, आप रेस्ट एपीआई को आप इस तरीके से मान सकते हो एज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। चीज समझ में आ गई, ये हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था। अब इसको ही हमने थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया, आप चाहे तो इसको रीड आउट कर सकते हो। अब आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स यानी यूआरआईस। यूआरआई क्या होता है? अब सबसे पहले याद रखना, अगर हम यूआरआई के बारे में बात करते हैं तो आपको इस वर्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज़ समझने के लिए आप उस वर्ड्स को तोड़ो। और ये मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, मेरे चैनल पर आप कोई भी वीडियो देखोगे जिसमें लेक्चर्स होंगे तो उसमें आप ये चीज़ समझ जाओगे। तो अगर हम इसका ब्रेक थ्रू करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, तो ये तीन में टूटती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स और आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का क्या काम होता है? अगर हम जो कंप्यूटर साइंस के लोग, उन्होंने कभी ना कभी वर्ड सुना होगा, तो ये नॉर्मली आइडेंटिफायर्स के अंदर आप वेरिएबल्स, कॉन्स्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, यानी किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म यानी जो एक तरीके का हो। तो ये पहले तो क्या, एक तरीके से अभी समझ लो कैरेक्टर सीक्वेंस है। पहला पहला पॉइंट हमें क्या क्लियर हो गया कि एक क्या है, कैरेक्टर सीक्वेंस है, जो कि क्या करता है, आइडेंटिफायर्स है, तो यानी आइडेंटिफाई करता है किसको, आइडेंटिफाई करता है लॉजिकल रिसोर्स को और फिजिकल रिसोर्स को। लॉजिकल रिसोर्स को और फिजिकल रिसोर्स को, दोनों को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। पॉइंट क्लियर हो गया बहुत सिंपल, कि एक कैरेक्टर सीक्वेंस है जो कि क्या करता है, फिजिकल रिसोर्स या लॉजिकल रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। ये बहुत ही प्यारा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई। जिस तरीके से इसका वर्ड ब्रेक थ्रू है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वैसे ही हमने इसको तोड़ा, आइडेंटिफाई यानी जो आइडेंटिफाई करता है, यानी एक ऐसा कैरेक्टर सीक्वेंस जो कि आइडेंटिफाई करता है फिजिकल रिसोर्स को और लॉजिकल रिसोर्स को। बहुत ही प्यारी चीज़ है, समझ में आ गई सबको। अब आता है कि भाई इससे होगा क्या, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड का क्या मतलब है, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन का तो मतलब समझ में आ गया। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक रिसोर्स सपोज R1 है, इसका कुछ URI है, एक रिसोर्स है R2, उसका कुछ URI है, तो यहाँ पर दो रिसोर्स अलग कैसे है, वो है इस यू की वजह से, यानी यूनिफॉर्म की वजह से। एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स से ये क्या करता है, अलग करता है, भिन्न करता है। तो इस चीज़ के बारे में समझ गया। अब आता है URI वर्क कैसे करता है। तो URI कैसे वर्क करता है, सबसे पहले ये आपको बहुत ही सिंपल और एक्सटेंसिबल वे देता है किसी भी रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो URI को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर यूज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो। URI डिफरेंट रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो गया, वेब पेज हो गया, इमेज हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, इन सारी चीज़ों को ये आइडेंटिफाई करने में काम आता है, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ सिंटेक्स होता है, एक फॉर्म होता है। तो नॉर्मली जो URI का सिस्टम होता है, आप ये मान सकते हो सिंटेक्स होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको ब्रैकेट बनाना है, स्लैश दो, यूजर पासवर्ड एट द रेट होस्ट पोर्ट पाथ क्वेरी हैशटैग फ्रैगमेंट। ये इस तरीके से दिखता है इसका। तो अगर यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, इतना आप समझ जाइए। अब हम बात करते हैं होस्ट की। पहले इसने यहाँ तक बताया कि भाई आपको पहले यूजर का पासवर्ड करना है, फिर आएगा होस्ट। अब होस्ट में क्या आएगा, पहला आएगा पोर्ट, सबसे पहली चीज़ आएगी पोर्ट। तो सबसे पहले पोर्ट आया, पोर्ट आते ही एक चीज़ ध्यान रखना, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा जो बड़ा वाला चल रहा है। यहाँ पर यहाँ तक अपने पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। यूज़र की इन्फॉर्मेशन कैसे आई, बहुत ही सिंपल, पासवर्ड दिया आपको, होस्ट दिया, ठीक है, ये आपका क्लोज हो गया। पासवर्ड के बाद एट द रेट जरूर लगा रहा। अब इसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, सबसे पहली चीज़ आएगी हम इसको सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम पहली चीज़ लिखेंगे पाथ, ये इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा बात, ठीक है। फिर आपके पास क्या क्या आएगी, क्वेरी, और फिर आएगा आपके पास फ्रैगमेंट। तो ये इस तरीके से होता है, ये एक बहुत ही सिंपल सा है। अब इसमें एक एक का मतलब, जैसे स्कीम क्या है, सबसे पहले ये केस इनसेंसिटिव चीज़ है,
केस सेंसिटिव, गलती से भी इसको आप ना माने, ये केस इनसेंसिटिव है, यानी आपके कैपिटल और जो छोटी चीज़ें हैं वो एक जैसी ही होगी, यानी जो अपर केस लोअर केस लेटर्स हैं वो वन सेम साउंड करेंगे, एंड सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय कॉलन, कॉलन से ये सेपरेटेड भी होते हैं। अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल चीज़ें होती है अथॉरिटी में, आपने देखा होगा जैसे होस्ट है, ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन सेक्शन है और पोर्ट नंबर भी है, जो भी हमने अभी पाथ ऊपर जाके देखा था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने पोर्ट लिखा है, ठीक है, तो ये पोर्ट हो गया, ठीक है, कि आपका होस्ट हो गया, पोर्ट नंबर हो गया और ऑथेंटिकेशन सेक्शन हो गया जो कि पासवर्ड है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती है, तो इससे अथॉरिटी इसकी झलकती है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं IPv6 एड्रेस या IPv4। ये नॉर्मली आपने जब वाईफाई सेटअप आप जब करते हो ना नॉर्मली, या आपने कभी ना कभी API या APN सेटअप किया होगा, एक्सेस पॉइंट का नेम सेट किया होगा, तो जब आप APN सेट करते हो ना तब आप IPv6, IPv4 और इनमें से चूज़ करते हो, ठीक है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन में नहीं किया तो कभी आप APN सेटिंग्स में जाके एक नया APN क्रिएट करना, तब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें भी अलाउड होती है। IPv6 थोड़ा एडवांस है, IPv4 है, उसका भी अलग काम है, ऐसे सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब आता है क्वेरी, तो हमने क्वेरी तो लिख दिया, तो इसमें स्ट्रिंग ऑफ नॉन हेरारकिकल डेटा आता है, ठीक है, ये भी सेपरेटेड बाय डेलिमीटर होता है। फ्रेगमेंट में क्या होता है, आइडेंटिफाइज डेट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सेकेंडरी रिसोर्स, ये नॉर्मली सेकेंडरी रिसोर्स को डायरेक्शन देने के लिए काम आता है। टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स, तो यहाँ पर URL और URI दो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने URI के बारे में तो प्रॉपरली बात कर दी, बट URL भी एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब जिस तरीके से URI का क्या काम होता है, अगर हम बात करते हैं कि भाई URI के अंदर तीन दो चीज़ होती है, एक तो होता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूनिफॉर्म को यानी रिसोर्स को जो लोकेट करता है, यानी आइडेंटिफाइज एंड लोकेट वेब पेजेस, ठीक है। ऑल्सो इट स्पेसिफाई हाउ इट कैन बी एक्सेस्ड और वेयर इट इज लोकेटेड, यानी सबसे पहला तो ये आइडेंटिफाई और लोकेट तो करता ही है वेब पेज को, दूसरा ये भी बता देता है कि आप इनको एक्सेस कहाँ से कर सकते हो, तरीका भी बता दिया। पहला वाला लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, सब ये चीज़ ध्यान रखना, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम है वो लोकेशन इंडिपेंडेंट है, और वो सेम रिसोर्स को ही बार बार नेम करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए काम आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो पहला लोकेट करता है वेब पेजेस को, दूसरा लोकेशन इंडिपेंडेंट है, उसको कोई लोकेशन से मतलब ही नहीं है क्योंकि वो रिसोर्स नेम है, ये रिसोर्स लोकेटर है, तो ये लोकेशन के लिए काम आता है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पहला वाला हाउ, ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे आप किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो और कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, बट ये एक ही रिसोर्स को ओवर द टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 बनाए तो अलग अलग रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, ये एक ही रिसोर्स को बार बार आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक फंक्शनिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। अभी देखो इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम पढ़े तो URL एक्चुअल में क्या है, आइडेंटिफाई लोकेट करता है वेब पेजेस को, ये हमने ऊपर वाली चीज़ ही है जिसको मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर और डिटेल में बता दिया है, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अब आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम की मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी तीन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला आपका होता है URN, एक होता कॉलम और एक होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। तो URN क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, फिर हम एक कॉलम यूज़ करते हैं और एक इसमें और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो पहला URN, ये जो स्ट्रिंग है URN, ये एक आपका हो गया कॉलम और एक हो गई कोई भी आपकी STR यानी कैरेक्टर स्ट्रिंग। वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टैंड एंड इट्स ग्रेट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है IoT डिज़ाइन चैलेंजेस। IoT के डिज़ाइन करने में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप IoT बहुत ऐसी इजी चीज़ है कि कोई भी उसको डिज़ाइन कर दे, हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो चैलेंजेस है उससे मीट आउट भी करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसी भी सिनेरियो आता है जब नई नई चैलेंजेस भी आएंगे, बट कुछ मेजर चैलेंजेस है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, जिसको हम काउंटर करेंगे। अगर आप कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे या कभी सेंसर्स के साथ वर्क करोगे तो आपको पता लगेगा कि बग हंटिंग या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें सिखाएगी भी आपको, और आपको हर बार एक नए चैलेंज में ला कर रोक देगी जिससे आप काफ़ी नई चीज़ें सीखोगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन चैलेंजेस, ठीक है। तो IoT डिज़ाइन चैलेंजेस के मेजर चैलेंजेस क्या क्या है अगर हम उसके बारे में डिस्कस आउट करें, तो पहला जो चैलेंज है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर हम बात करते हैं IoT डिज़ाइन चैलेंजेस की।
इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी आपस में जो इनकी इंटर वर्किंग है वो, स्केलेबिलिटी यानी आईओटी को स्केल करना एक चैलेंज है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब एडवांटेजेस की बात करी थी तो हमने वहाँ पर देखा था, जब हमने उसके एडवांटेजेस देखेंगे तो हमने उसमें स्केलेबिलिटी को एज एन एडवांटेज लिया, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो स्केलेबिलिटी भी एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि आपको कोई भी डिज़ाइन अगर करना है तो आपको स्केलेबिलिटी का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आईओटी का वही एक मेजर एडवांटेज है। रिलायबिलिटी, कैसे ये रिलायबल है अदर सोर्सेज के साथ, और पावर कंजप्शन यानी कितना पावर कंजप्ट करता है। बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम आईओटी को प्लेस करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स और एक्चुएटर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक्चुअल में मेमोरी खाते हैं, और मेमोरी नहीं सॉरी पावर खाते हैं, ठीक है, तो ये सारे पावर कंजप्ट करते हैं। अब आते हैं इसको थोड़ा एक डिटेल में, जैसे सिक्योरिटी चैलेंज को देखते हैं, तो सिक्योरिटी चैलेंज में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आती है, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है इस इमेज में, तो आप इससे चीज़ को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो जो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है इनसाइडर थ्रेट्स। दूसरी जो चीज़ निकल के आती है वो है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। ये जो दो चीज़ें हैं, इनसाइडर थ्रेट्स और सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी कभी सिस्टम्स में खुद में इनसाइडर ही बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं, या कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें सॉफ्टवेयर कंपेटेबल नहीं होते, यहाँ एक प्रॉब्लम है ये। लैक ऑफ इंक्रिप्शन, जिससे आपकी प्राइवेसी हैम्पर होती है इंक्रिप्शन ना होने की वजह से। आपने देखा होगा हाल ही में डेटा लीक्स बहुत ही हैवी मात्रा में हो रहे हैं, अगर हम 2024 का बेसिक डेटा जो अपने जनवरी में भी अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसी कंपनीज इनका डेटा लीक रिपोर्ट कर चुकी है जनवरी स्टार्ट होते ही। तो यहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हो कि लैक ऑफ इंक्रिप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं तो। इनसफिशियंट टेस्टिंग एंड अपडेट, हम चीज़ों को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसको फालतू में अगर अपडेट करते जाएंगे तो ये भी एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ब्रूट फोर्सिंग एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट पासवर्ड, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि देखो हर बार क्या होता है ना, आईओटी ग्रोइंग स्टेज है, अभी हम ये नहीं कह सकते हमने कम्प्लीटली आईओटी को अचीव कर लिया है, बट अगर हम बेसिक बात करते हैं तो जो ब्रूट फोर्सिंग हम जब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम आ जाती है सबसे बड़ी, क्योंकि हर बार आप नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करोगे तो उस समय आपके यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, आप उसको लूप होल छोड़ दो। आईओटी मालवेयर एंड रैनसमवेयर, ये एक बहुत बड़ा आप ये मान सकते हो कि सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि मेलवेयर, अब आईओटी के भी मेलवेयर आने लग गए हैं। आईओटी बॉटनेट एमिंग एट क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा थ्रेट है। इनएडिक्वेट डिवाइस सिक्योरिटी, हो सकता है कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसकी खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है या कंपेटिबल नहीं है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अभी तक आईओटी का कोई प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। वल्नरेबिलिटी टू नेटवर्क अटैक्स, जो नेटवर्क अटैक्स डिवाइसेस पे होते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन बी हैक्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अनटिल अनलेस यू आर यूजिंग अ रिमार्केबल सिक्योरिटी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सिस्टम, एनीथिंग इन द सिस्टम कैन बी ईजिली हैक्ड, जो भी वाईफाई पे, और होता भी है, आप देखते हो लोग पेसमेकर को हैक करके भी हार्ट अटैक्स प्लान करते हैं। तो ये जो चीज़ है आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है तो हैक करी जा सकती है, तो इसीलिए एक प्रॉपर नेटवर्क पॉलिसी का फॉलो होना चाहिए और प्रॉपर नेटवर्क प्रोटोकॉल यूजेस होने चाहिए हर डिवाइस के अंदर, जिससे हम इस चीज़ को तो एटलीस्ट रेजिस्ट कर ही सकें। इनसिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, वही चीज़ है, लाइन्स के थ्रू आपको डेटा लाइन्स दिखती नहीं है बिकॉज योर आई इज़ नॉट केबल इनफ टू सी दैट, बट इट इज़ अ मेजर थ्रेट। प्राइवेसी कंसर्न्स, जो प्राइवेसी का थ्रेट है वो भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो, और वही चीज़ हमने यहाँ पर और डिटेल में ही लिख दी है। डिज़ाइन चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी सिस्टम्स जो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की तो ये भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि सेंसिटिव डेटा जो कि सिस्टम से जा रहा है उसको हम अनऑथराइज एक्सेस से कैसे बचाएं। मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर डिवाइस सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सारी चीज़ें आती है, बट जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, उसको आप किस तरीके से रजिस्ट करोगे। नेक्स्ट जो आता है वो स्केलेबिलिटी, क्योंकि देखो ये डिज़ाइन चैलेंज क्यों है, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है जिससे वो मैक्सिमम वर्कलोड को हैंडल कर सके और इंडिपेंडेंटली स्केलेबिलिटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो स्केलेबिलिटी में हम डेटा का भी मैनेजमेंट देखते हैं, नेटवर्क कैपेसिटी भी देखते हैं और डिवाइस का भी मैनेजमेंट देखते हैं, तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। अगर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, तो ये वो एबिलिटी है जिससे आपका जो सिस्टम है, ठीक है, वो वही काम करें जिसके लिए उसको बनाया गया है बिना किसी फेलियर के, ये हम रिलायबिलिटी के अंदर देखते हैं। मेजर रिलायबिलिटी में क्या आता है, डेटा एक्यूरेसी, नेटवर्क कनेक्टिविटी या डिवाइस फेलियर।
तो वापस मैं आपको बताऊंगा कि रिलायबिलिटी में आप क्या देखते हो कि भाई सिस्टम की वो एबिलिटी जिससे वो वही फंक्शन काम करें बिना किसी फेलियर के टाइम के साथ। मेजर रिलायबिलिटी चैलेंज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया डिवाइस फेलियर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और डेटा एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होगी। अब आता है पावर कंजप्शन। अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यार आपको सिस्टम इस तरीके से बनाना है जिससे वो एक एफिशिएंट पावर सिस्टम पे काम कर सके, क्योंकि ये जो सिस्टम्स होते हैं नॉर्मली आपके होम अप्लायंसेस वगैरह में कनेक्ट होते हैं और नॉर्मली आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो आपके पास अगर एक कोई आपका घर है जिसमें 1000 सेंसर्स लगे हुए हैं IoT को एनेबल करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1000 सिस्टम्स की पावर लाइन को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा उस सिस्टम की। क्योंकि देखो बिना पावर के कोई भी सेंसर नहीं चलेगा और बिना सेंसर्स के कोई डेटा नहीं आएगा, बिना डेटा के एक्चुएटर्स की फंक्शन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक मैप बनाना पड़ता है पावर कंजप्शन का कि कौन सा डिवाइस का जो पावर है वो कहाँ से आ रहा है और कितने इंटरवल से उसकी बैटरी चार्ज हो रही है, वो पूरा आपको सिस्टम और एक साइकिल बनानी पड़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है एक डिज़ाइन का मेजर चैलेंज रहता है। यहाँ पर अगर हम डिप्लॉयमेंट चैलेंज की बात करें तो डिप्लॉयमेंट चैलेंज में सबसे पहले, क्योंकि जब आपने एक बार सिस्टम क्रिएट कर लिया, अब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा रियल स्पेस में जहाँ पर आप उसको अप्लाई कर रहे हो, तो कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम आती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी यानी आपस में जो सपोज एक जो डिवाइस है वो किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, बट डेटा सिंक्रोनाइजेशन एक जगह आपको करना है। सपोज आपको अपने ऐप में सारा डेटा देखना है तो जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी है। डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करना है और प्रोसेस करना है वो भी काम इसमें ही आता है। लैक ऑफ ऑल स्किल सेट, यहाँ क्या होता है कि हो सकता है भाई कि कुछ जो टीम में मेंबर्स हो उनके पास भी स्किल सेट ना हो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको प्रॉपर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगर प्रॉपर नेटवर्क नहीं होगा तो डेटा का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होगा और आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डिवाइस मैनेजमेंट की, कितने सारे डिवाइसेज आपके साथ कनेक्टेड है, डेटा का भी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई आपको करोड़ों रुपए लग गए, आपको एक प्रॉपर ऑप्टिमल कॉस्ट में पावर को ध्यान रखते हुए, रिलायबिलिटी स्केलेबिलिटी को ध्यान रखते हुए, इंटर ऑपरेटिबिलिटी को याद रखते हुए, इंटीग्रेशन को याद रखते हुए और क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी को याद रखते हुए कंप्लीट IoT सिस्टम्स को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि वो एक फुल प्रूफ सिस्टम बन सके और आपको उसके प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसीज को भी ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर इंक्रिप्शन को यूज़ करना चाहिए अगर कर सकते हो तो, जिससे आपका डेटा भी सिक्योर रहे और आपका सिस्टम भी विदाउट एनी हैम्पर वर्कआउट कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं IoT और M2M। IoT जो होता है वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड व्हेन इट कॉल टू M2M, M2M इज मशीन टू मशीन, ठीक है। IoT जो होता है वहाँ पर वो डिवाइस आते हैं, वो ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्स है। बट हम M2M की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि मशीन टू मशीन में ऐसे प्रॉपर इंटेलिजेंस तो नहीं होती, बट कुछ इंटेलिजेंस आप यहाँ समझ सकते हो। ये नॉर्मली यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। मशीन टू मशीन जो आपका होता है ये वर्टिकल सिस्टम अप्रोच को फॉलो करता है, वेयर एज जो IoT है वो हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है। चीज़ समझ में आ गई होगी। डेटा जो कि शेयर होता है एप्लीकेशन के साथ IoT के अंदर, ठीक है, वो नॉर्मली एंड यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। बट अगर हम बात करते हैं M2M में तो डेटा जो होता है ये आपकी कम्युनिकेटिंग पार्टीज के साथ ही शेयर होता है। ये इन्फॉर्मेशन और सर्विस सेंट्रिक है, ये कम्युनिकेशन और डिवाइस सेंट्रिक है जो M2M है। ये B2B और B2C पे काम कर सकता है IoT, बट ये M2M केवल B2B पे ही काम करेगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस ही काम करेगा, बिजनेस टू कस्टमर्स काम नहीं करेगा जो कि B2C का मॉडल है। ये क्लाउड कम्युनिकेशन पे विश्वास रखता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पे विश्वास रखता है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक आपको डिफरेंस भी समझ में आ चुका होगा। सिमिलैरिटीज क्या है? कनेक्शन, ऑटोमेशन, डेटा एक्सचेंज, रिमोट एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल, स्केलेबिलिटी, इंटीग्रेशन विद क्लाउड और इंडस्ट्री एप्लीकेशन, इसका मेजर सिमिलैरिटी है अगर हम IoT के बारे में बात करते हैं तो। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में अब आ ही गई होगी। अगर हम बेसिक के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आई थिंक इतना तो आपको क्लियर अब हो ही गया होगा। अब होता है SDN। अब ये बहुत कम लोगों ने सुना है SDN और NFV के बारे में, अब उस फेज में आ चुके हैं कि हम SDN और NFV डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर आउट कर देता हूँ कि SDN एक्चुअली में क्या होता है। जिस तरीके से इसका नाम है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, तो ये एक अप्रोच टू नेटवर्किंग है जो कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर्स को यूज़ करती है। ये भी एक नेटवर्किंग अप्रोच है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा कि ये भी एक नेटवर्किंग अप्रोच है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर्स को यूज करती है। चीज क्लियर हुई?
ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर्स को यूज़ करती है और API को यूज़ करती है फॉर कम्युनिकेशन। यानी ये एक नेटवर्किंग आप ये मान सकते हो अप्रोच है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर्स या APIs को यूज़ करती है, या तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर्स को यूज़ करेगी या API को यूज़ करेगी, ये इसका काम है। ठीक है, ये SDN का काम है। तो ये एक अप्रोच है नेटवर्किंग की जो कि या तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर यानी SDC को यूज़ करेगी या API को यूज़ करेगी कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पर आपका हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है, डिवाइस ट्रैफिक भी इन्वॉल्व होता है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ किया जाता है नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। चीज़ बहुत हद तक क्लियर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डवेयर डिवाइस को अपन ने यूज़ किया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर या इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं लिखा हुआ है, हार्डवेयर डिवाइस को हमने यूज़ किया ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो ये SDN का खेल है पूरा। और अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों यूज़ करते हैं, तो भाई इसके बिना आप अगर हम ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा अगर हमारे पास मैक्सिमम ट्रैफिक वगैरह चीज़ आ जाती है। ये आपको इंक्रीज कंट्रोल देता है जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। कस्टमाइजेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है और रोबर सिक्योरिटी मेजर्स को भी फॉलो करता है, तो ऐसी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है। डिफरेंट मॉडल्स में अगर हम बात करें तो ओपन SDN होता है, SDN बाय API होता है, SDN ओवरले मॉडल होता है और हाइब्रिड SDN होता है। ओपन SDN, SDN बाय API, हाइब्रिड SDN या SDN ओवरले मॉडल, वापस बोलूँगा ओपन SDN जिसमें अपन ओपन फ्लो जैसे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं डेटा के ट्रांसफ़र के लिए। SDN बाय API के अंदर भी हम ओपन यूज़ करते हैं, बट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज़ करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यानी API को यूज़ करते हैं डेटा के मूविंग के लिए या डेटा मूवमेंट के लिए। एक होता है आपका SDN ओवरले मॉडल। तो SDN ओवरले मॉडल में हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हम वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ करते हैं यानी VNs को यूज़ कर देते हैं। और हाइब्रिड SDN में हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को ट्रेडिशनल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के साथ कंबाइन कर देते हैं। SDN पर ट्रेडिशनल नेटवर्क प्रोटोकॉल या स्टाइल को हम मर्ज कर देते हैं, दोनों को मिला के काम करते हैं। ठीक है, NFV की अगर हम बात करें तो NFV होता है नेटवर्क फंक्शनल वर्चुअलाइजेशन। ये नॉर्मली आपका नेटवर्क अप्लायंस हार्डवेयर का रिप्लेसमेंट करता है वर्चुअल मशीन से। सबसे पहले यहाँ VN का आप खेल आना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे हम VN की तरफ जा रहे हैं। आपने नोटिस किया जब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सीरीज है, जो बून ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसने वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी हमने वर्चुअल मशीन के बारे में बात करी थी। यहाँ पर अब हम नेटवर्क अप्लायंसेज हार्डवेयर को रिप्लेस ही कर रहे हैं वर्चुअल मशीन्स के साथ। अब हमें NFV यूज़ क्यों करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स इन्वॉल्व है। तो आपको सबसे पहला जो फीचर मिलता है जो कि क्लाउड का है, वो है पे एज यू गो। जैसे जैसे आपको यहाँ पर काम करना है वैसे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, फ्यूअर अप्लायंसेज, यानी क्योंकि यहाँ पर कम अप्लायंसेज होते हैं तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। और एक जो है इसका एडवांटेज वो स्केलेबिलिटी, स्केल कर सकते हो क्योंकि यहाँ वर्चुअल मशीन्स यूज़ हो रही है। किसी बिजनेस को किस समय किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी बिजनेस को किस चीज़ की किस समय क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपन यहाँ पर काम कर सकते हैं। रिस्क क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, मालवेयर डिफिकल्ट है आइसोलेट करने के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक जो है ये लेस ट्रांसपेरेंट है। तो ये इसके बेसिक आप ये मान सकते हो कि रिस्क है कि भाई फिजिकल सिक्योरिटी आपको यहाँ प्रॉपर नहीं मिल रही है, मालवेयर जो है उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे और नेटवर्क ट्रैफिक जो है यहाँ पर लेस ट्रांसपेरेंट है। ये आपको चीज़ सही समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ SDN की बात करें तो अप्रोच नेटवर्किंग जो कि कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन के साथ सेपरेट करते हैं, यहाँ पर हम वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करने लग गए। अब सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, यहाँ वर्चुअलाइजेशन का कंट्रोल है पूरा। यहाँ पर इम्प्रूव नेटवर्किंग एजिलिटी है, बट यहाँ पर कॉस्ट सेविंग करता है ये थ्रू हार्डवेयर, क्योंकि देखो हार्डवेयर यहाँ यूज़ इतना हो नहीं रहा है, यहाँ हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि ये कंजक्शन है NFV का तो ये बहुत ज़्यादा और भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्यों है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था जब हाइब्रिड SDN के बारे में हमने बात करी तो हमने कहा था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को ये इस तरीके की यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलप ये जो प्रोग्रामिंग है इसके साथ कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको दिमाग लगाना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी अगर हम SDN की बात करें तो SDN एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है और NFV भी एक बूमिंग है, तो आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग या SDN के बारे में भी बात करनी पड़ेगी अगर उस चीज़ को ढंग से समझना है। तो यही यहाँ पर हमारी चीज़ ख़त्म होती है। अब आगे केस स्टडीज़ हैं, ये केस स्टडीज़ आप खुद देख सकते हो क्योंकि ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हर
अलग अलग चीज के हिसाब से अलग अलग केस स्टडी। अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो होम ऑटोमेशन में आप देखोगे डिवाइस इंटीग्रेशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल कि उससे आपको कन्वीनियंस एक्सेसिबिलिटी अच्छी मिल रही है, सिक्योरिटी सर्विलेंस मिलती है, एनर्जी सेविंग होती है, ये सारा होम इंटीग्रेशन के अंदर होता है। क्योंकि आपको पता है होम का मेजर कंसर्न प्राइवेसी होता है, तो ये आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, भाई आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपका ऐसा ना हो कि भाई आपका डेटा लीक हो रहा हो, ऐसा नहीं घर का डेटा बाहर जा रहा है, तो उसके लिए प्राइवेसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होम में आती है। अगर हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी की जो मेजर प्रॉब्लम होती है, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, ITS की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की आपकी सिटी के अंदर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैसी है, स्मार्ट सिटी एनर्जी मैनेजमेंट की, भाई आपके सिटी में एनर्जी का मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, इससे क्या होता है आपकी अर्बन एफिशिएंसी आती है, सस्टेनेबिलिटी आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के लोगों की इंप्रूव होती है। चीज़ समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं ऐसी IoT एनवायरमेंट के बारे में कि भाई एनवायरमेंट में IoT का क्या मेजर योगदान है, तो यहाँ पर एयर क्वालिटी कंट्रोलिंग, वाटर क्वालिटी कंट्रोलिंग और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सब में IoT का ही रोल है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये वो चीज़ है जिस पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसी की लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है। तो एयर क्वालिटी मेजर, वाटर क्वालिटी मेजर और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर हम पूरा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ये करता कैसे है, इससे रियल टाइम कनेक्शन भी होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्रिएट होते हैं, कोई अगर कैलामिटी आने वाली हो तो समय पहले ही पता लग जाता है। तो ये सारा आप ये देख सकते हो कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके बारे में आ जाती है खेल। वहीं पर ही अगर हम एनर्जी के अंदर बात करें तो IoT का एनर्जी में किस तरीके से योगदान है, स्मार्ट ग्रिड्स, अगर हम पावर ग्रिड्स के अंदर हम स्मार्ट ग्रिड या सेंसर्स का यूज़ करते हैं तो हम उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सबसे पहली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम हमारे लॉसेस को कम कर सकते हैं और रेस्पॉन्सिवनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो है ये स्मार्ट ग्रिड्स का काम है, डिमांड रेस्पॉन्स, जिस तरीके से आपको डिमांड है उस तरीके से आप सप्लाई कर सकते हो, रियल टाइम प्राइसिंग के ऊपर और ग्रिड कंडीशंस पे काम आता है, एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पे यहाँ पर काम आता है। तो ये सारा IoT का खेल है जो भी हमने अभी देखा। अगर हम रिटेलिंग के अंदर भी बात करें, रिटेल सेक्टर की बात करें, लोग सोचते हैं रिटेल में कुछ नहीं होता, बट यहाँ IoT ने रिटेल में भी धूम मचाई हुई है। किस तरीके से, स्मार्ट शेल्फ एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप अमेजोन के स्टोर देखें, अमेजोन का एक स्मार्ट स्टोर है, ठीक है, आप वहाँ देखोगे अमेजोन गो भी कहते हैं उस स्टोर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पर RFID टैग्स को यूज़ करके या सेंसर्स को यूज़ करके रियल टाइम प्राइसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है। आप चीज़ें उठा के जस्ट अपने बैग में डाल के लेके चलोगे, अपने स्मार्टफोन से ऑटोमेटिक पेमेंट भी हो जाएगी। ये जो भी सारा सिस्टम है ये किसमें आता है, ये स्मार्ट शेल्फ और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। कस्टमर एनालिटिक्स एंड पर्सनलाइजेशन, आपका कस्टमर क्या ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, किस तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट ले रहा है, जिसकी वजह से आप अपने इन्वेंट्री को उस तरीके से मैनेज कर सको जिससे आपकी सेल्स मैक्सिमाइज हो गए। क्योंकि ऐसे नॉर्मली होता है ना, एक काऊ होता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आता है काऊ आता है, ठीक है, आपका स्नेक आता है, ऐसे करके एक बिजनेस टेक्निक्स है जिससे आप शेल्फ मैनेज करते हो। तो ये सारा कस्टमर एनालिटिक्स और पर्सनलाइजेशन में यूज़ होता है। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ काम आती है, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर यूज़ है। तो आई थिंक ये IoT इन रिटेल आप चीज़ समझ गए हो। और जो IoT का मेजर यूज़ है वो मगर आपको बताऊंगा, तो वो आता है लॉजिस्टिक्स में। जब हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें भी IoT का यूज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है सॉल्व करता है वो रियल टाइम ट्रैकिंग और विजिबिलिटी। क्योंकि देखो ब्लॉकचेन का आने का पर्पस ही यही था कि भाई जब रियल टाइम हमने मॉनिटरिंग पे बात करी या लॉजिस्टिक सिस्टम पे बात करी तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, तो उस चीज़ को जो सॉल्व किया वो आपके IoT ने सॉल्व कर दिया। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कि भाई आपको प्रॉपर मेंटेनेंस कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो ये भी सारा IoT का ही खेल है। वेयर हाउस ऑटोमेशन, यानी आपका जो वेयर हाउस है उसको पूरा ऑटोमेट कर दिया, ये सारी चीज़ें IoT ही लेके आया। अगर हम बात करते हैं बेसिक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, IoT इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में तो आप चाहे IBM की स्टडी कर लो, चाहे IBM वॉटसन क्लाउड की स्टडी कर लो, सब में IoT का यूज़। अगर हम क्रॉप मॉनिटरिंग की बात करें उसमें भी IoT का बहुत बड़ा रोल है, प्रॉपर सेंसर्स और सॉइल कंडीशन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं IoT। प्रिसिशन एग्रीकल्चर, अगर हमें एकदम डिटेल एग्रीकेशन करते हैं, जैसे अगर ड्रोन्स वगैरह से यूज़ करके अगर हमें सपोज़ ये एक पूरा लैंड एरिया है, इसको हम अगर तोड़ना है अलग अलग रीजन के हिसाब से, तो वहाँ पर भी जो ड्रोन का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे मॉनिटरिंग करके रहता है और सारे एरियाज़ को डिवाइड कर देता है उसके पर्टिकुलर यूज़ केस के हिसाब से। जैसे सपोज़ इसमें ज़्यादा क्रॉप्स होगी, इसमें कम होगी, तो जितना भी कंट्रोल है सारा IoT के थ्रू आता है। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, जैसे काउज और ये जो लोग होते हैं ना, जो लाइव एनिमल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म्स नॉर्मली इसको यूज़ करती है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये IoT की पावर बताता है। इंडस्ट्री के अंदर भी IoT का यूज़ है। इंडस्ट्री के अंदर अगर हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बात करें, एसेट ट्रैकिंग और मैनेजमेंट की बात करें, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो सारी जगह IoT का यूज़ है। तो ये सब जगह IoT आप देख सकते हो किस तरीके से यूज़ है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी IoT का यूज़ है।
पेशेंट की मॉनिटरिंग अगर आपको करनी है तो अलग अलग डिवाइसेस आते हैं जिससे आप प्रॉपर डिटेल में कर सकते हो। यही नहीं, आजकल स्मार्ट वॉचेस में भी IoT आता है जिससे आप प्रॉपर एक कस्टमर का रियल टाइम डेटा ट्रैक कर सकते हो और वो डॉक्टर को देखे और भी थोड़ा प्रिसीजन से बात कर सकते हो। क्योंकि देखो नॉर्मली 100% डेटा वो करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि खुद स्मार्ट वॉच कंपनी भी ये चीज़ मानती है कि 100% डेटा हमारा करेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट 40-50% जो डेटा होता है उसकी अंदाजा डॉक्टर को लग जाता है कि भाई पेशेंट को क्या हुआ होगा। ये मैंने इसकी ही बात करी अभी जस्ट, स्मार्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स। अगर हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, उसके एसेट की ट्रैकिंग हो गई, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट हो गई, पेशेंट फ्लो ऑप्टिमाइजेशन हो गया, किस तरीके से पेशेंट आ रहे हैं, कौन सी ज़्यादातर बीमारी आ रही है, तो उस हिसाब से उसकी मेडिसिन की सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हो IoT को यूज़ करके। यही नहीं, अगर हम IoT लाइफस्टाइल की बात करें तो आजकल लाइफस्टाइल में भी स्मार्ट ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, वियरेबल फिटनेस डिवाइसेज, कनेक्टेड डिवाइसेज, सब जगह आप देखोगे कि IoT ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। ठीक है, तो ये मान सकते हो कि भाई IoT का ही टाइम चल रहा है और धीरे धीरे IoT और भी ज़्यादा बूम पे आ ही रहा है। तो यहीं पर ही मैं रैप अप करूँगा। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना हो सके इस चैनल को फॉलो करो जिससे और भी ज़्यादा एजुकेशन या वाला कंटेंट आ सके इस चैनल पे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई एम गोइंग, दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ। राधे राधे।